नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के विवादित पोस्टर को लेकर अब भजन सम्राट अनूप जलोटा ने डायरेक्टर लीना मणिमेकलाय पर हमला बोला है और एक बड़ा बयान दे डाला है। क्या कुछ कहा है अनूप जलोटा ने, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के विवादित पोस्टर को लेकर मामला दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। पोस्टर को लेकर सोशल मीडिया से सड़क तक लोगों में बेहद नाराजगी है। इसी कड़ी में वाराणसी पहुंचे भजन सम्राट अनूप जलोटा ने मामले में बड़ा बयान दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के निर्देशक लीना मणिमेकलाय पर गुस्से में लाल दिखे। उन्होंने लीना को पागल बताते हुए कहा कि उसे सबसे खराब पागल खाने में जगह दिला देनी चाहिए। जलोटा ने कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह के हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए। पहली बार जब उसने पोस्टर बनाया तो मुझे लगा कि वो अपनी फिल्म की सस्ती पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन जब उसने दोबारा ऐसा किया तब ये पक्का हो गया कि वो पागल है, इसलिए उसे सबसे खराब पागल खाने में भेज देना चाहिए। वहाँ वो पोस्टर बनाए और पागलों में बांटती रहे, लोग देखेंगे और हंसेंगे। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान पर अनूप जलोटा ने कहा कि अगर वो लीना का समर्थन कर रही हैं तो गलत है, क्योंकि फिल्म का पोस्टर किसी भी हाल में सही नहीं है। लीना की बात कर रहे हैं तो लीना के लिए जो सबसे खराब पागल खाना हो उसमें उसको जगह दिला दीजिए। देखिए, पहली बार उसने जब पोस्टर बनाया तो हमको लगा अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए कर रही है, तो लोग करते हैं, बेहूदी करते हैं चीप सस्ती पब्लिसिटी के लिए, सस्ते प्रचार के लिए। लेकिन जब उसने दोबारा किया तो वो तो पक्का हो गया कि तो पागल है। तो पागल लोग तो इस तरह की हरकतें करते ही रहते हैं, तो उनको पागल खाने में रखो, वो उस तरह के चित्र बनाती रहें और उन्हीं पागलों में बांटती रहें, सब लोग देखेंगे, हंसेंगे, डांस करेंगे उसको। लेकिन टीएमसी की सांसद इसको सही ठहरा रही हैं, खुले मन से वो इसका समर्थन भी कर रही हैं। उसको गलत कह दिए? अरे, इसको बिल्कुल समर्थन करना ही नहीं चाहिए, गलत कह दीजिए, वो तो गलत कर रही है। कई मुस्लिम मौलाना। वहीं इस दौरान ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के दावे को अनूप जलोटा ने सही बताया। उन्होंने साफ कहा कि ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग को हिंदुओं को दे देना चाहिए और वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। शिवलिंग को लेकर लगातार आ रही विवादित टिप्पणियों के सवाल पर उन्होंने कहा कि विचलित होना और न होना ये हमारे ऊपर है। उन्होंने कहा हिंदू ताकतवर भी है और सहनशील भी। आपको बता दें कि श्री काशी विश्वनाथ मुक्ति आंदोलन के सदस्यों ने शुक्रवार को एसएसपी प्रवीण कुमार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें सदस्यों ने मां काली को सिगरेट पीते दिखाने वाली फिल्म निर्देशक लीना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। बहरहाल ये पहली बार नहीं है जब किसी फिल्म मेकर ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ कोई आपत्तिजनक पोस्ट किया है। इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। वहीं इस पोस्टर के रिलीज होने के बाद से लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस मामले में क्या कुछ सख्त कदम उठाती है जिससे हिंदू देवी देवताओं का अपमान होना बंद हो। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।